नमस्कार। तो एक बार फिर आपका स्वागत है डीवी न्यूज में। 20 करोड़ रुपए खर्च करके बनाए जा रहे 85 संजीवनी क्लिनिक को डॉक्टर्स ही नहीं मिल पा रहे हैं। अभी तक बनी 14 क्लिनिक के लिए 40 डॉक्टर्स की जरूरत है। एक महीने से ढूंढ रहे हैं लेकिन अब तक एक भी डॉक्टर नहीं मिला है। 4 डिस्पेंसरी में तो MBBS तक नहीं है। वही आपको बता दें, सबसे बड़ा रोड़ा मानदेय है। स्वास्थ्य विभाग 5 घंटे की विजिट के 3,000 रुपए ऑफर कर रहा है। इतने पैसे में कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर वहां जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा वे 2 घंटे निजी क्लिनिक पर बैठकर ही कमा लेते हैं। मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार के पास खुद के डॉक्टर्स नहीं हैं। राजस्थान व कई छोटे राज्यों में सरकारी अस्पतालों की स्थिति मध्य प्रदेश से कहीं बेहतर है। मध्य प्रदेश में विशेषज्ञों के 50% पद खाली हैं। नीतियां ऐसी बनाई जा रही हैं कि डॉक्टर नाराज रहते हैं, वे सरकारी सेवा में आना ही नहीं चाहते हैं। पदोन्नति के मापदंड तय नहीं है। वहीं जूनियर डॉक्टरों को CMHO व सिविल सर्जन बनाया जा रहा है।